ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਫੈਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਖਾਬ ਕੋਈ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖਾਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ ਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ लेकिन फिर भी खाब की तबीर दिया राजे बैक कवर करना हाँ जी तो अब इस ख्वाब की तबीर हम लोग देखेंगे जी इसमें तबीर अलरुआ अच्छा किसकी जाने की बात की थी जो भाई के आगे भाई हाँ। के नहीं मैं लेके चले आती हूँ से काफ ना हाँ काफ से कछुआ ये थोड़ा बाला कोई इशक दमा हाँ। कछुआ कितने पेज नंबर थे 418 ये कछुआ देखने की क्या तबीर है भाई जान कछुए भी बड़े बड़े सन समझ आ रही पर दस वाली समझ नहीं बड़े छोटे रोन दा भी जड़े ने भी तबीर होंगी है यानी की तबीर कटी मेरे खाब दी क्या आलम आलम यानी के किसे आलम दी सोबत पवे दी आलम आके थे आलम दी सोबत देख के आर करे अच्छा हम स्टार्टिंग की गया ये वायर का कुछ इशू हो रहा है तो फैसल साहब चेक कर रहे हैं फैसल साहब किधर गए हैं हेलो ए हेलो ये शेर स्पेशल उनकी नज़र है जिनके आजकल पेपर हो रहे हैं उसने कहा कि मेरे इश्क में फना हो जाओ उसने कहा कि मेरे इश्क में फना हो जाओ मैंने कहा कि मेरे पेपर शुरू हैं फिलहाल दफा हो जाओ दार सा पुलाओ अभी हमारे घर पर आया है ये किधर से है का कारी साहब है मस्जिद में तो उसको डिग्री मिली है अच्छा तो वो अभी उन लोगों ने ये हेलो गो इनसाइड प्लीज ये कारी साहब को डिग्री मिली तो उसने इसी खुशी से वो देखे बांटी है खुशी के तो उन लोगों ने हमारे घर में भी भेजा है ऐसे भी उन लोगों का हमारे घर में ये मोहल्ले में आना जाना है वो बहुत अच्छे हैं कारी साहब उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी है उसकी रमज़ान में उसकी फैमिली भी आई थी वो भी हमारे घर में आना जाना रहता है तो बहुत नाइस फैमिली है और माशाल्लाह अच्छे कारी साहब भी हैं इधर हमारे घर के साथ बहुत टेस्टी है ना डिलीशियस है अफगानी पुलाव हाँ हाँ बहुत अच्छा पुलाव बना बहुत लाइट वेट है और स्पाइसलेस है जिसने बच्चे दही डाले दही डाले नहीं इसके ऊपर दही का तो टेस्ट ही खराब कर देगा ओके बहुत मजे का बना हाँ बहुत मज़ेदार है ना ब्लॉग में देखेगा क्यों नहीं आए आप क्यों नहीं आए थे आज नहीं मैंने देखा चलो देखो हैं यहाँ से चल रहा है लेडीज के रूम में वो इसके लिए वो एक लेके है ना बाउल चीजें का कलियां डालने के ऊपर पानी डाल के ना वो बाउल हाँ। फिश बाउल की तरह जो होते हैं हाँ। तो नीचे पानी होगा ऊपर कलियां ऊपर कितने दिन उसकी फ्रेगनेंस रहती बीच में जिस पर इनके गोली बीच में डाल देते है ना बहुत प्यारा लगता अब रूम रूम हो गया नहीं पहले भी रूम था लेकिन अभी ना वो जरा थोड़ा खोल दिया हेलो व्यूवर्स ये आज हम लोगों ने सुबह प्लान किया था कि हम शाम में उरीगा मार्केट जाएंगे कुछ हम लोगों को रेशमी कपड़े लेने थे वैसे तो उसका सीज़न नहीं है लेकिन बस शौकिया काफ़ी अर्सा हो गया था नहीं बाय किए थे सीजनल तो लेते रहते हैं
लेकिन ऐसे फैंसी नहीं लेना हो रहा था, तो आज प्लान हो रहा था कि हम लोग उरीगा जाएंगे। और सो आज हम लोग उरीगा गए, यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी शॉप्स पे विज़िट किया, कुछ बाहर स्टॉल्स पे भी लगे हुए थे सूट्स, और रेट जो हैं वो आगे से बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। आज मैं और माँ जी और चची हैं मेरी साथ, हम लोग और बुआ, हम लोग आज शॉपिंग पे गए थे। हम लोगों ने वहाँ से बच्चियों के कुछ सूट बाय किए, और कुछ जो है हम लोगों ने मार्केट से शॉपिंग, विंडो शॉपिंग की। खैर बहुत मज़ा आया, हाँ जी, लेकिन एक बात है, मौसम गर्म था और गर्मी भी थी। हम लोगों ने यहाँ पे, ये बुआ ने चाट भी खाई है, मुझे तो पता ही नहीं था, और इसने अकेले के लिए चाट खा ली, मुझे इसने नहीं बताया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हमने लेमन मिंट लिया था और हमने उसको फुल इंजॉय किया, बड़ा चिलचिल सा था और गर्मी थी, बड़ा मज़ा आया। और अभी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ और फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि हम लोगों ने क्या बाय किया। इस शॉप से हम लोगों ने कुछ सूट्स लिए थे जो कि हमें काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गए थे, और हम लोगों ने फिर यहाँ से दो सूट बाय किए थे। और इसके बाद फिर हमने एक रेशमी सूट और लेना था जो कि हमें नहीं मिल रहा था, ये वाइट वाला हमें बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसका दुपट्टा लाइट कलर में था, तो बस इसीलिए हम लोगों ने छोड़ दिया। और फिर आज मैंने अपनी माँ जी के साथ उरीगा की वो गलियाँ भी देखी जो मैंने कभी नहीं देखी थी, या इतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था कि शॉप्स हैं और कैसे हैं। कोई कहता है ना, इंसान बड़ों से सीखता है, और बस वो बड़ी थी, उन्हें हमसे ज़्यादा पता था। और फिर हम लोग घर आ गए, क्योंकि मैं अभी अपनी माँ जी के घर थी और मैंने अब वापस अपने घर जाना था, तो ड्राइवर आ रहा था मुझे लेने के लिए। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।